हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपल लाइफस्टाइल विद बर्निका। तो ये है मम्मी लगा रही हैं रंग, और यहाँ पे देखिए पाखी बैठी हैं, अभी पाखी को भी लगेगा। बाबू इधर आ, मेरा दादू भी नहीं है। लो लो पकड़ 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 लो, अभी पहले बोलो। बाकी ये दच्चू का भी थी, हिस्सा खा लो। दच्चू का भी, दच्चू दच्चू ब्याह का खा लो, दच्चू ब्याह का। दच्चू ब्याह का खाओ, खा लो। अब पाकी तुम थोड़ा सा नानू को खिला दो, बाकी बस खा ली उसको। आप भी तो उसको उल्टे हाथ से खिला रहे हैं। खिलाओ को, आप भी तो उल्टे। हाँ, अब नानू को खिलाओ, नानू को खिलाओ, नानू को खिलाओ, नानू को थोड़ा सा। नहीं, पहले नानू को खिलाओ थोड़ा सा, नानू को तो खिलाओ बेटा। बाकी जल्दी खिलाओ नानू को थोड़ा सा। तुम क्या खा रहे हो? बाबू खा ले। अब पापा को भी तो खिलाओ, इनको भी खिलाओ। बारे बारे दिन आए, बारे बारे तो अपने खाए चक्कर में लगी। कौन आ रहा है? ज़्यादा खिलाओ, कौन आ रहा है? मम्मी पापा खिलाओ, इनको खिलाओ। बहन ये बांटा बांटा बीबी को मम्मा और ये हमारे पापा, ये देखिए ले आए हैं मैरिज एनिवर्सरी। आज उनके उनकी एनिवर्सरी है, तो सबके लिए, पूरे घर के लिए क्या ले आए पापा? जलेबी, ब्रेड पकौड़ा, दही। दही, जलेबी, ब्रेड पकौड़ा पापा लेके आए। अच्छा, ढोकला भी। अरे वाह, तो ये पापा सबके लिए लाए। चलिए इसको फटाफट, पहले मैं सैनिटाइज कर दे रही हूँ इसको। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, बैक टू माय चैनल सिंपल लाइफस्टाइल विद बर्निका। और अभी मैंने हेयर वॉश करा है, नहाया है, मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं। हम लोग मॉर्निंग के बज रहे हैं 9, और हम लोग को जाना है मंदिर, तो हम लोग फटाफट उठे हैं। सब लोग फ्रेश वगैरह होके नहा लिए हैं, मैंने कपड़ा चेंज कर लिया, बट अभी सिंदूर वगैरह कुछ भी नहीं लगाया है, तो अभी जाती हूँ, लगाती हूँ। और आज आप सभी को पता है कि मेरे मम्मी पापा की है एनिवर्सरी, और मैं इस समय हूँ मैके में। तो आज का जो पूरा व्लॉग है उन्हीं लोग के ऊपर है कि उन लोग आज क्या क्या करेंगे, कैसे करेंगे, मम्मी क्या करती हैं, क्या बनाती हैं, सब कुछ आज मैं आपको अपनी मम्मी का ही दिखाऊंगी। और अभी पापा सबके लिए नाश्ता ले आए थे यहाँ, मतलब चाचा लोग। हम लोग बहुत ऐसी पार्टी कोई नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये है कि बच्चे हैं, तो बस थोड़ा सा ऐसे इंजॉयमेंट कर रहे हैं, बट बुआ लोग हैं, चाचा लोग हैं, तो सबके लिए पापा ने सब नाश्ता लाया था, बाहर से रेडीमेड लाया था, तो वो हम लोग ने सबको दे दिया जाके। और अभी हम लोग बैठे हैं यहाँ पे नाश्ता करने, इसके बाद हम लोग निकलेंगे मंदिर और फिर आपको दिखाएंगे। इलाहाबाद में जो मेन सिविल लाइन्स का जो हनुमान जी का मंदिर है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है, आप लोग को मैं आके हनुमान जी के मंदिर के दर्शन जरूर कराऊंगी। तो चलिए अब वहाँ पे चलती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। और ये मम्मी सुबह सुबह मंदिर जा रही हैं, एकदम सजने संवारने लगी हैं। आज भाई इन्हीं का दिन है, मम्मी की है एनिवर्सरी, तो मम्मी बढ़िया अच्छे से तैयार हो रही हैं। अभी आप लोग को फुल गेटअप मम्मी का दिखाते हैं, बहुत ही सुंदर लग रही हैं मम्मी, दिखाते हैं अभी। देखे मम्मी, ओह मम्मी का तो देखे, एक बार फिर से देखे मम्मी,
तो हम लोग हो गए हैं रेडी, हम लोग निकल रहे हैं मंदिर के लिए। इधर आ रही है एक में, ये हम लोग रेडी हो गए हैं। देखे दो यहाँ मैं, ये है, हाय तो करिए। और ये पाखी है, ये देखिए ये पाखी है। सब लोग रेडी हो गए हैं और अब दिखाते हैं आपको अपने मम्मी पापा। ये देखिए, हाय, ये मम्मी पापा, ये दोनों लोग रेडी हैं। अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर। तो चलो चलो फटाफट निकलो निकलो, चलो निकलो निकलो। अच्छा पापा पान खाएंगे, अच्छा पापा बिना पान खाए नहीं निकलेंगे। ये इनकी जादुई पान है ना, कौन सा पान है, कौन सा पान है बताइए। ये इनका पान है, जहाँ जाते हैं पापा इस पान को जरूर लेके जाते हैं। जादू को पिटारा है ये इनका पान। चलो बैठो बैठो बैठो। और ये है इलाहाबाद के सिविल लाइंस का बड़े हनुमान जी मंदिर। ये बहुत ही ज़्यादा इलाहाबाद का फेमस मंदिर है। जो भी कोई आता है अगर इलाहाबाद, तो एक यहाँ पे, एक संगम के साइड में बड़े हनुमान जी लेटे हुए हनुमान जी हैं, उसके नाम से जाना जाता है, लेटे हुए हनुमान जी के नाम से, तो वहाँ ज़रूर दर्शन करता है। तो ये सिविल लाइंस इलाहाबाद का हनुमान मंदिर है। और इस साइड में ये है शंकर जी का, एक साइड में हनुमान जी का है और एक साइड में शंकर जी का मंदिर है। और यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। बाकी हैं फ्लावर की, जो उनको तुलसी की माला चढ़ाई जाती है, उसकी बास्केट ली हैं, खुद ही आगे निकल पड़ी हैं। और ये है हनुमान जी की मूर्ति, ये मेन सिविल लाइंस की हनुमान जी की मूर्ति है यहाँ पे। मंदिर दर्शन करने के बाद हम लोग यहाँ आ गए शंकर जी के मंदिर जो सामने हैं। और यहाँ पे देखिए 11 शिवलिंग लाइन से है। और सावन में तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है, क्योंकि शंकर जी का वैसे भी सावन पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो आज मम्मी पापा की एनिवर्सरी है, तो दीदी तो चली गई थी, इसलिए उसने वहाँ से भेजा है केक, तो वो आ गया है, वो आ ही रहा है। तो मैं इसको लेके जाती हूँ, फिर दिखाती हूँ कैसा केक दी थी। और ये मम्मी ने बनाया है, मैंने बनाया है बटर पनीर मसाला, और सब मम्मी ने बनाया है। और हम लोग जा रहे हैं बढ़िया दिन का भोजन करने, हाँ भोजन ही करने समझ लीजिए, भोजन ये सबसे अच्छा भोजन, भोजन हम लोग जा रहे हैं करने। दिन में खाना खाने के बाद 4 बजे के करीब हम लोग आ गए छत पे, यहीं पे मम्मी का डेकोरेशन जो है एनिवर्सरी का डेकोरेशन है, यहीं पे हम लोग ने थोड़ा सा डेकोरेशन का सामान ले आई थी, और थोड़ा सा और लेके हम सारे भाई बहन मिलके जो छोटा सा डेकोरेशन है हम लोग अपनी तरफ से कर दे रहे हैं। कोई ऐसा बड़ा सेलिब्रेशन नहीं था, लेकिन हाँ कि चलो ठीक है, हम लोग बच्चे हैं, थोड़ा
थोड़ा थोड़ा कर देंगे। तो हम लोग ने सब यहाँ फटाफट बैलून फुला के यहाँ पे थोड़ा सा डेकोरेशन कर लिया। हम लोग की डेकोरेशन जो हम भाई बहनों ने मिलके थोड़ी बहुत कर लिए, जो भी हो पाया, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा थी तो थोड़ी थोड़ी हम लोग ने डेकोरेशन बस करी ऐसे ही। और ये यहीं छत पे कर रहे हैं, ये हम लोग बैठे हुए हैं सब लोग, ये मम्मी और ये वो केक है जो दीदी ने मंगाया था, दीदी ने ऑर्डर किया था। चलो अब आराम से एक कार्ड पैकिंग को ¡Vaya, vaya, vaya!
ले लो कोल्ड ड्रिंक ले लो सब लोग ले लिए बिना लो नहीं हम नहीं पीएंगे।